आकाशवाणी। खबरां श्रुति खजूरिया कोला। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल ते बीजेपी ते 6 राज्यों दे गृह सचिवें गी लोकसभा चुनाएं थमां पहले मौजूदा ओहदे थमां हटाई दित्ता है। बिहार च राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दे सहयोगी लोकसभा चुनाव आस्तै सीट बटवारे दे समझौते गी खीरी रूप देई दित्ता। 3 दिनें दा स्टार्टअप महाकुंभ नमीं दिल्ली च शुरू। एहदा मकसद स्टार्टअप दा निवेशकें समर्थवान व्यापार भ्यालें ते पूंजीपतियें कन्नै मेल करना। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के चुनावी बॉन्ड सरबंधी सारा ब्यौरा ते जानकारी उपलब्ध करवाने दा निर्देश दित्ता है। अदालत SBI गी 21 मार्च तोड़ी खरीदार ते हासिल करने आले सियासी पार्टियां बश्कार संपर्क गी दस्सने आली यूनिक बॉन्ड नंबरें दी जानकारी भी उपलब्ध करवाने दे निर्देश दित्ते। भारतीय सेना ते सेशल्स रक्षा बलें बश्कार संयुक्त सैन्य अभ्यास लामितिये दा 10वां संस्करण अज्ज सेशल्स च शुरू हुआ। खबरां तफसील कन्नै। पश्चिम बंगाल च लोकसभा चुनाव पहले गेड़ तहत 19 अप्रैल गी होंगन ते लोकसभा चुनाव राज्य च सारे 7 गेड़ च होने न। लोकसभा चुनाव थमां पहले निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों दे गृह सचिवें ते पश्चिम बंगाल दे पुलिस महानिदेशक गी हटाई दित्ता है। सूत्रें दस्सेया है जे गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश ते उत्तराखंड दे गृह सचिवें गी हटाया गया है ते मिजोरम ते हिमाचल प्रदेश दे सामान्य प्रशासनिक प्रभाग दे सचिवें दा भी तबादला कर दित्ता गया है। लोकसभा चुनाव की सूची की घोषणा होने मगरा बिहार च राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी HR श्रीनिवास होरें आकाशवाणी समाचार की दस्सिया जे बिहार च आदर्श आचार संहिता की असरदार तरीके कन्नै लागू करने दे सब्बे जतन किते जा करदे न। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार सोयां भारतीय पुलिस सेवा दे अधिकारी ते पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार ते राज्य दे IGP दा तबादला ऐसी थार पर करने लिए आख्या है जिस ओहदे दा सरबंध चुनाव कन्नै नहीं हुआ है। आयोग ने राज्य सरकार दे कुसै भी वरिष्ठ अधिकारी गी अस्थायी तौर पर पुलिस महानिदेशक दे ओहदे पर नामांकित करने लिए भी आख्या हा। IPS अधिकारी विवेक सहाय होरें गी पश्चिम बंगाल दा नवां DGP नियुक्त किया गया। राजीव कुमार होरें गी IT ते इलेक्ट्रॉनिक्स महकमे च लाया गया। बिहार च राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दे सहयोगी लोकसभा चुनाव आस्तै सीट बटवारे दे समझौते गी खीरी रूप देई दित्ता है। गठबंधन तहत राज्य च कुल 40 सीटें चा भारतीय जनता पार्टी 17 लोकसभा सीटें पर, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटें पर ते लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटें पर चुनाव लड़ोग। साबका मुक्खमंत्री जितिन राम मांझी हुंदी अगुवाई आली हिन्दोस्तान अवामी मोर्चा ते उपेन्द्र कुशवाहा हुंदा राष्ट्रीय लोक मोर्चा राज्य च 1-1 सीट पर चुनाव लड़ोग। नमीं दिल्ली च इस बारे घोषणा कीती गई। इस मौके बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी, जनता दल यूनाइटेड नेता संजय झा, लोक जनशक्ति पार्टी दे राजू तिवारी सने और दुए लोग मौजूद हे। भारतीय जनता पार्टी दे वरिष्ठ नेता ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें कांग्रेस पर सख्त लफ्जें च हमला करदे होई आख्या जे कांग्रेस भ्रष्टाचार, लूट ते तुष्टीकरण की राजनीति करती है, जिसलै कि भाजपा का मतलब है विकास ते मजबूत भारत। एह गल उन्हें शिव मोगा च रैली गी संबोधित करदे होई आखी। उन्हें आखिया जे पिछले 10 बरें दौरान 25 करोड़ थमां मते लोकें गी गरीबी रेखा थमां उप्पर आनेया गया है। उन्हें आखिया जे कर्नाटक च आयुष्मान भारत मुफ्त चिकित्सा उपचार कन्नै 75 लाख लोकें गी लाह थ्होआ है। 40 लाख गरीब महिलाएं गी रसोई गैस दे कनैक्शन दित्ते गए ते 9 लाख लोकें गी मकान हासिल होए न। सुप्रीम कोर्ट ने काले धन गी जायज बनाने सरबंधी मामले च दिल्ली दे साबका मंत्री सतेंद्र जैन हुंदी जमानत याचिका खारिज कर दित्ती है ते उनेंगी फौरी तौर पर समर्पण करने दा निर्देश दित्ता है। अदालत दो और अभियुक्त अंकुश ते वैभव जैन गी दी भी जमानत याचिका गी खारिज कर दित्ता। अदालत अभियुक्तें दे वकीलें गी समर्पण करने आस्तै बादू 1 हफ्ते दा समां देने दी मंग दी खारिज भी कर दित्ता। सतेंद्र जैन होरें गी पिछले बरे 26 मई गी चिकित्सा दे आधार पर अंतरिम जमानत दित्ती गई ही जिसी समय मूजब अग्गे बताया गया। लोकसभा चुनाव दौरान दिल्ली च 7 पार्लियामानी सीटें पर लगभग 1,47,00,000 मतदाता नेताएं दे सियासी भाग्य दा फैसला करगन। लोकसभा च 7 निर्वाचन क्षेत्र च 6वें गेड च 25 मई गी मतदान होग। चुनाव दी अधिसूचना 29 अप्रैल गी जारी कीती जाग। नामांकन पत्र भरने दी खीरी तरीक 6 मई है। 9 मई तक नां वापस लैते जाई सकदे न। मुल्ख दे होरने संसदीय निर्वाचन क्षेत्रें दे कन्नै वोटें दी गिनतरी 4 जून गी होग।
भारतीय जनता पार्टी ने सब्बने 7 सीटें आस्ते मेदवारें दी घोषणा करी दित्ती दी है। उत्तर प्रदेश थमां बहुजन समाज पार्टी सांसद संगीता आजाद ते उन्दे पति नमी दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय च भाजपा च शामिल होई गए। साबका विधायक आजाद अरिमर्दन ते सुप्रीम कोर्ट दी मन्नी परमन्नी दी वकील सीमा कुशवाहा भी भाजपा च शामिल होई गईआं। दिल्ली दे मुक्खमंत्री अरविंद केजरीवाल अज दिल्ली जल बोर्ड च कथित बेजाबतें कन्नै जोड़े दे रपे पैसे दे एयरफेयर सरबंधी मामले च जारी समन पर प्रवर्तन निदेशालय दे सामने पेश नहीं होए। आम आदमी पार्टी ने इनें समन गी गैर कानूनी दस्सेआ। पार्टी ने भाजपा सरकार पर केजरीवाल गी निशाना बनाने आस्तै प्रवर्तन निदेशालय दा इस्तेमाल करने दा आरोप लाया। दिल्ली दे मुक्खमंत्री होरें गी दुई बारी रपे पैसे दे एयरफेयर सरबंधी कानून तहत समन जारी कीता गेआ। केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति कन्नै जोड़े दे धन शोधन मामले च पहले सोआं गै ईडी दे समन दा सामना करा करदे न। ओ इस मामले च 8 बारी जारी समन पर भी पेश नहीं होए हे। एह खबरां तुस आकाशवाणी परा सुनारदे ओ। मुल्क दे स्टार्टअप तंत्र गी दर्शाने आले सब्बने शा बड्डे कार्यक्रम च इक त्रौं दिने दा स्टार्टअप महाकुंभ अज्ज नमीं दिल्ली दे भारत मंडपम च शुरू होआ। इस स्टार्टअप कार्यक्रम दा मकसद स्टार्टअप गी निवेशकें कन्नै जोड़ना ऐ। इस मौके पर बोलदे होई DPIIT दे सचिव राजेश कुमार सिंह होरें आक्खेआ जो 2016 च मुल्क च जित्थे छड़े 300 स्टार्टअप हे उत्थे अज्ज इंदी गिनतरी 1 लक्ख कोला उपर होई गेदी ऐ। उनें आक्खेआ जे भारत दुनिया च त्रीआ सब्बने थमां बड्डा स्टार्टअप तंत्र ऐ ते देसे दे 670 जिलें च मौजूद स्टार्टअप चा 50% स्टार्टअप दुए ते त्रीए दर्जे दे शहरें च न। सिंह होरें आक्खेआ जे औने आले महीने दौरान इक समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति गी मुकदा रूप दे दित्ता जाग। इस मौके पर बोलदे होई भारत दे G20 शेरपा अमिताभ कांत होरें आक्खेआ जे स्टार्टअप इंडिया योजना दे मगरा मुल्ख च स्टार्टअप दी गिनतरी च खरा मता बाधा दर्ज कीता गेआ ऐ। पिछले 8 बरें दौरान इस तंत्र ने 10 लक्ख थमां मतियां नौकरियां कायम कीतियां। साढ़े संवाददाता मुजब भारत मंडपम च बक्ख बक्ख सैक्टरें जियां आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, एग्रीटेक, डीप टेक वगैरा दे बक्ख बक्ख पंडाल स्थापित कीते गेदे न। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI गी अज्ज चुनावी बांडे सरबंधी सारा ब्यौरा ते जानकारी उपलब्ध करवाने दा निर्देश जारी कीता। अदालत ने SBI गी 21 मार्च तोड़ी खरीदार ते हासिल करने आले सियासी पार्टी बश्कार संपर्क की दस्सने आले यूनिक बॉन्ड नंबर दी जानकारी भी उपलब्ध करवाने दे निर्देश जारी कीते। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हुंदी अध्यक्षता आली 5 जजें दी संवैधानिक पीठ आख्या है जे SBI गी बॉन्ड दी पूरी जानकारी देने दी लोड़ गी लेइयै कुसै चाली दा शक शुबान नहीं होना लोड़चदा। सुप्रीम कोर्ट ने SBI दे चेयरमैन गी 21 मार्च संजा 5 बजे कोला पहले अदालत दे सामने इक अल्फनामा दाखल करने लई आख्या है जेड़े दस्या गया होना लोड़चदा है जे SBI ने बॉन्डे सरबंधी सारी जानकारी दा खुलासा करी दित्ते दा है। सुप्रीम कोर्ट दे 13 अप्रैल 2004 दे निर्देशें ते चुनाव आयोग दी हिदायतें मूजब कुसै भी पंजीकृत सियासी पार्टी या कुसै संगठन दे समूह या चुनाव लड़ा करदे मेदवार आसिया दित्ते जाने आले सब्बने सियासी इश्तेहारें गी टीवी केबल नेटवर्क या केबल चैनल पर प्रसारित करने शा पहले उसी मीडिया प्रमाणन ते निगरान कमेटी आसिया प्रमाणित कीता जाग। जम्मू कश्मीर दे मुक्ख चुनाव अधिकारी हुंदे आसिया जारी अधिसूचना मुजब प्रमाणीकरण दे इस्तारे हेठ सिनेमा हॉल ते FM चैनल सने रेडियो पर चलाए जाने आले इश्तेहार सार्वजनिक थारें पर चलने आले ऑडियो विजुअल सने ई अखबार च इश्तेहार किट्ठे भेजे जाने आले बड़े सारे SMS ते वॉइस मैसेज सोशल मीडिया ते इंटरनेट वैबसाइट पर इश्तेहार भी प्रमाणीकरण दे इस्तारे हेठ आउंदे न। भारतीय सेना ते सेशल्स रक्षा बलें बश्कार संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्या दा 10वां संस्करण अज्ज सेशल च शुरू होआ। इस सांझा अभ्यास 18 थमां 27 मार्च तक चलोग। इसका मकसद शांति अभियान दौरान दौनें मुल्खें दी सेनाएं बश्कार तालमेल बनाना है। 10 दिनें तक चलने आले सांझे अभ्यास च मैदानी सिखलाई युद्ध चर्चा व्याख्यान ते प्रदर्शन शामिल है। लामित्या दा मतलब क्रियोल भाषा च दोस्ती है। पहला अभ्यास 2001 च सेशल्स च होआ हा। अखीरे च खास खबरां इक बारी परतियै। चुनाव आयोग ने पच्छम बंगाल ते TGP ते 6 राज्यों दे गृह सचिवें गी लोकसभा चुनाव थमां पहले मौजूदा अहुदे थमां हटाई दित्ता है। बिहार च राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दे सहयोगियें लोकसभा चुनाव आस्तै सीट बंटवारे दे समझौते गी खीरी रूप दे दित्ता। 3 दिनें दा स्टार्टअप महाकुंभ नमीं दिल्ली च शुरू। इसका मकसद स्टार्टअप दा निवेशकें समर्थवान व्यापार भ्यालें ते पूंजीपतियें कन्नै मेल कराना है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI की चुनावी बॉन्ड सरबंधी सारा ब्यौरा ते जानकारी उपलब्ध करवाने का निर्देश दिता ते भारतीय सेना ते सैशल रक्षा बलें बश्कार संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य दा दसवा संस्करण अज थमां सैशल्स शुरू हुआ। एदे कन्ने गै खबरें दा बुलेटिन समाप्त हुआ।